भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले गए एकमात्र ऐतिहासिक टेस्ट मैच में भारतीय टीम ने अफगानिस्तान की टीम को 262 रन और एक इनिंग से हरा दिया। भारतीय टीम की तरफ से रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए अफगानिस्तान की बल्लेबाजी को पूरी तरह घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया। रविंद्र जडेजा को तो उनकी बेहतरीन गेंदबाजी के लिए सम्मानित भी किया गया, लेकिन मैच खत्म होने के बाद जब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में भारतीय कप्तान अजिंक्य रहाणे को मैच विनर की ट्रॉफी थमाई गई, तब उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जो अब तक भारतीय टीम के किसी भी कप्तान ने नहीं किया है और उनका यह फैसला सारी क्रिकेट प्रेमियों को बेहद ही ज्यादा पसंद आया है। दरअसल भारतीय टीम के साथ साथ उन्होंने अफगानिस्तान के साथ भी अपनी जीत का सेलिब्रेशन किया। दरअसल हम आपको बता दें कि अफगानिस्तान का यह टेस्ट मैच पहला टेस्ट मैच था। अफगानिस्तान 12वीं टीम बनी जो टेस्ट मैच खेलेगी, लेकिन अजिंक्य रहाणे ने ट्रॉफी उठाकर अफगानिस्तान के प्लेयरों को थमा दी। यह लम्हा सीधे क्रिकेट प्रेमियों के दिल में जगह बना गया। तो दोस्तों, आपके इस प्यारे लम्हे के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।